अस्सलाम वालेकुम। भारत के शहर कलकत्ता में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद पर हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इन मुजाहिरीन ने मुतासिब बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है और काफी ज्यादा मुजाहिरीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कार के ऊपर हल्ला बोल दिया। इस मौके के ऊपर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गयी। मुजाहिरीन का बस नहीं चल रहा था कि वो नरेंद्र मोदी को जान से मार देते। इंडियन मीडिया ने हस्बे मामूल नरेंद्र मोदी की इस बेइज्जती को मुकम्मल तौर पर छुपा दिया है। इंडियन मीडिया सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौरे कलकत्ता को तो कवरेज दे रहा है, लेकिन ये जो वाकया हुआ है मुजाहिरीन की तरफ से, जिसमें नरेंद्र मोदी की जान जाने तक की नौबत आन पहुंची थी, उसको मुकम्मल तौर पर सीक्रेट या हिडन कर दिया गया है। कलकत्ता में सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई थी कि नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी टीम ने उनको कलकत्ता के अंदर किसी एक सिंगल रोड के ऊपर ट्रेवल करने से मुकम्मल तौर पर मना कर दिया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस वाकये की और तफसीलात से आगाह करूं, हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और उन सब से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ बने बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करके अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर जरूर शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। दोस्तों, बैनल अकौमी खबर इसां इदारे के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के हवाले से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। उनके रियासत मगरबी बंगाल के दौरे के ऊपर इंतहाई शदीद और कशीदा किस्म के हालात क्रिएट हो गए हैं। कलकत्ता के एयरपोर्ट पर ही 30,000 से जायद मुश्तइल मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली निकाली, हाथों की जंजीर बनाई और मुतनाज़े शहरियत तरमीमी कानून 2019 के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अब इस मौके के ऊपर नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट से निकलकर रूट प्लान ये था कि वो एक सड़क पकड़ेंगे और सीधा वजीर आला हाउस जाएंगे। ये बात जहन में रखिएगा कि मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के शदीद तरीन नाकदीन में से एक हैं। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठे तो मुजाहिरीन ने उनकी गाड़ी के ऊपर हल्ला बोल दिया। सिक्योरिटी के शदीद तरीन इंतजाम होने के बावजूद ये मुजाहिरीन किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। इन मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा था कि मुतनाजा शहरियत तरमीमी कानून को फौरन से खत्म किया जाए। पुलिस ने अपने तहत इन मुजाहिरीन को रोकने की बेहद कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी तादाद में मुजाहिरीन नरेंद्र मोदी की कार तक पहुंच गए। सूरत हाल उस वक्त शदीद तरीन कशीदा हो चुकी थी और नरेंद्र मोदी को उनकी जान के लाले पड़ गए थे। नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी पर मामूर ऑफिशियल लोगों ने इंतहाई मुश्किलों से नरेंद्र मोदी को उस गाड़ी में से निकाल कर वापिस एयरपोर्ट के अंदर पहुँचा दिया। ट्विटर के ऊपर मौजूद रिसोर्सेज की अगर बातों को सच माना जाए तो उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी कई मुजाहिरीन के चांटों, थप्पड़ों, लातों, इवन घूंसों तक की रेंज में आ गए थे। कलकत्ता एयरपोर्ट से निकलने वाली हर शाहराह पर मुजाहिरीन के जमा होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मजबूरन मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठ कर मगरबी बंगाल की वजीर आला और मुतनाज़े शहरियत कानून की सख्त नाकिद ममता बनर्जी के घर पहुँचाया गया। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ की एक बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ममता बनर्जी के घर के बाहर भी पहुँचने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इन मुजाहिरीन को वजीर आला के घर जाने से रोक दिया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मुलाकात के दौरान दो टोक मौकफ अपनाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने की तजवीज़ दी है, लेकिन हस्बे रिवायत वजीर आजम मोदी ने मसरूफियत का बहाना बनाते हुए मुतनाज़े कानून पर तबादला ख्याल को अगली मीटिंग तक मौखर कर दिया है। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के इन हीले बहानों से एक मरतबा फिर सीख पा हो गयी और उन्होंने उसी वक्त उठकर अपने घर के बाहर मौजूद मुजाहिरीन के साथ जाकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये बात याद रखिएगा कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अपने तहत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका कोई दाव चल जाए, उनकी कोई चाल कामयाब हो जाए और वो ममता बनर्जी को भी ऑन बोर्ड ले लें। लेकिन ममता बनर्जी का पहले दिन से लेकर अब तक मुतनाज़े शहरियत तरमीमी कानून के ऊपर दो टोक मौके फेंक के इस कानून को फौरन से खत्म किया जाए। मेरे नजदीक दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने भारत में जो आग लगाई है, अब वो आग बेकाबू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने अगर इस मुतनाज़े कानून को खत्म ना किया तो भारत इसी आग में जलकर राख हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों से सवाल करूंगा कि क्या ये मुतनाज़े कानून भारत को ले डूबेगा या नहीं। इस मुतनाज़े कानून से मुतल्लिक आपका जो भी जवाब है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।